नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। फिर से दुमका को दिल दहला देने वाली कांड हुआ है। दुमका पेट्रोल कांड की पुनरावृत्ति हुई है और मामला जरमुंडी से जुड़ा हुआ है। लड़की लगभग 70 से 80% जल चुकी है और लड़की को अभी रेफर कर दिया गया है। देखिए उसके अभिभावक जो आए हुए हैं वे क्या कहते हैं। कौन है लड़की? लड़की का मैं मामी है गांव के। अच्छा, गांव के हम मामी है तो हल्ला गुला हुआ, मेरा गोतनी गया मेरे पास उठाने के लिए, चलिए ना मारुति, देखिए ना जला दिया है पेट्रोल छीट कर को। वो मेसपुर गांव का लड़का है, वो आकर को पेट्रोल छीट कर हड़का तोड़ दिया इधर से, हड़का तोड़ कर को बोतल से मार दिया और माचिस मार को जला दिया उसको। अब पहले 4 दिन पहले वो बासुकीनाथ गया था तो उसको धमकी दिया था लड़का तो वो राजेश, धमकी दिया था कि तुमको हम जीने नहीं देंगे, तुमको मार के अथी पेट्रोल छीट को हम जला देंगे, तुमको किसी से शादी भी करने नहीं देंगे, इसी धमकी दिया था। ये घटना हुआ था 1 बजे रात को। लड़का शादीशुदा है? लड़का अभी थी। हाँ, लड़का महेशपुर में लड़का शादीशुदा शादी है, शादीशुदा है। इधर इसका बातचीत कहीं चला रहे थे क्या? लड़की का बातचीत चला रहे थे तो लड़की जानता था, वो हम क्या मालूम है। जी जी जी। तो लड़का क्या बोलता था? लड़का वही धमकी दिया था, वो हम साथ में आए थे, वो तो उसको हम पूछे थे किसे हुआ नुनिया ऐसे तुम क्या कर लिए हैं, तो वो हम बोला था इसे हमको मालूम है, बाकी हमको मालूम नहीं है। हम आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरफ कोई लड़की को जलाया था उसी तरफ उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। इस तरफ तो घटना बढ़ते जा रहा है, वो धमकी दिया था दुमका में एक लड़की को मरा था आग में जला के, उसी तरफ तुमको जला देंगे तो उसी तरफ कर दिया था। इस तरफ तो बढ़ रहा ना घटना सर, इस तरह तो बढ़ रहा है। अब यही हम चाह रहे हैं, उसी को फांसी को सजा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आपका अनिता देवी नाम है। क्या लगते हैं आप? अब हमको उस लड़की को मामी है गांव के। आपकी बेटी के साथ? हमने कहा हम तो घर में आ था, वो वहाँ था नानी घर में। हाँ, तो क्या हुआ, आप क्या जानकारी है? हमको जानकारी कुछ पता ही नहीं चला था, मैं परसों आया जा करके, मीठ बात खा के आया हूँ उधर, लड़की पैसा भी दिखाया, तो पापा पैसा दे दो दिए उसको, भला मेला देखने जाएगा और कुछ नहीं। कितना दिन से वो नानी घर में रह रही थी? बचपन से। आप लोग क्या चाहते हैं घटना के बाद? घटना में हमको पता नहीं है। नहीं, क्या चाहते हैं आप? जो घटना घटी आप लोग का क्या इच्छा है? जो घटना किया है उसका घटना कोई सावधान निकालिए आप लोग, ऐसे ऐसे चलते रहेगा पेट्रोल डाल के कोई फेंकते रहेगा बार बार होते रहेगा ऐसा चीज पे, तो कोई बराबर सब देखिए रहे हैं आप लोग। ये बताइए कि कैसे हुआ, घटना का पूरा बताइए। घर में बच्चा सोया हुआ था, रात को पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दिया। कहाँ पे कैसे जला? हाँ, कहाँ पे कैसे जला? घर पे कैसे जला? घर में इसका नानी के साथ सोई हुई थी, नानी भी जला है इसका। क्या मांग करते हैं? घुस के जला था। मांग की लड़का जो जलाया लड़का, वो लड़का को हम लोग को चाहिए। कौन था? कौन लड़का था? कौन लड़का है? जो लड़का लड़की से बयान दे दिया है लड़का। क्या नाम? नाम क्या? नाम राजेश राहुल ना, राजेश राहुल। ये बताइए लड़की की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक बताई जा रही है। आप पूरा नाजुक। क्या मांग करें? क्या रेफर होना चाहिए? रेफर होना चाहिए जल्द से जल्द, दिल्ली रेफर करना चाहिए एयरलिफ्ट के थ्रू तुरंत, अभी जल्द से जल्द इसको रेफर करना चाहिए। मुन्ना कौन लड़की एयरलिफ्ट वाले बताइए क्या बताइए क्या क्या कहना है इस पर? इस पर बोल रहे कि लड़की का गंभीर अभी नाजुक है, बहुत स्थिति खराब है, तो इसको एयरलिफ्ट करके तुरंत सरकार को एम्स दिल्ली में इसको रेफर करना चाहिए। और लड़का के लिए क्या मांग कर? लड़का के लिए तुरंत सजा, अभी फांसी के तुरंत जल्द से जल्द इसको पकड़ के फांसी का सजा देना चाहिए। इस तरह और घटना होते रहेगी, हमारी बहन बेटी जो है लोग और दिक्कत होगा। और वो देख देख के और सीख रहा है। कहाँ का ये लड़का है कुछ मालूम? कहाँ का फैल लड़का का? तो महेशपुर। क्या नाम? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अच्छा, जो घटना हुआ है इसमें क्या क्या कहेंगे इस पूरे घटना? क्या जानकारी मिला घटना के बारे में? जानकारी अभी सुबह हम लोग को मिला है कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है, लड़की तुम्हारा भतीजा है तो जल गया, वहाँ फोन में गया तो इसलिए आए यहाँ से, सब गांव का आदमी सब आए हैं यहाँ देखने के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं सर, क्या चाहेंगे देखिए ना सर, लड़की इलाज हमारा ठीक कर दीजिए और उसका बाद लड़का को सजाई आप लोग दीजिए, उसका इलाज चाहिए लड़का को। लड़का को जो फांसी की सजा सुना ना, इस तरह आज घटना कर रहा है तो कल और करेगा लड़का।
मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री से अभी चाहेंगे, अभी अभी नहीं चाहेंगे, लड़की को हमारा इलाज करना चाहिए, लड़का को पकड़ना चाहिए, उसका बाद में मुख्यमंत्री। लड़की का उम्र कितना होगा? लड़की का एज कितना होगा? 17-18 यही है सर, 19। मदद की आप लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से तत्काल उनको 1 लाख रुपये का बेहतर इलाज के लिए उपलब्ध कराया गया। बेहतर इलाज के लिए कहाँ? रिम्स रांची भेजा गया। एक मिनट सर, जरा फिर से। हाँ सर, ये बताइए कि जो पेट्रोल कांड हुआ है उसमें अभी तक जिला प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है? जिला प्रशासन के द्वारा उनका त्वरित कार्रवाई की गई है और उनके इलाज बेहतर इलाज के लिए रिम्स उनको रेफर भी किया गया है और उनको बेहतर इलाज के लिए 1 लाख रुपये का राशि उपलब्ध भी कराया गया। सर, लड़की की स्थिति क्या है अभी, क्या सामने में आया है सर, लड़की का बयान क्या हुआ है? ये जांच का विषय है, लड़की की स्थिति नाजुक थी इसलिए हम लोगों ने रिम्स भेजा। धन्यवाद। लड़की बालिक है जो पेट्रोल कांड लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है, वो लड़का कहाँ आरोपित गिरफ्तार हो चुका है, बाकी का डिटेल हम लोग आगे तहकीकात करेंगे, बताएंगे। गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मिनट सर, प्लीज़ हो गया।